गाइस हम आज जाने वाले हैं साबली। यहाँ से 26 किलोमीटर है वाले है अभी साबली मंदिर, और महाकाली माँ का बहुत अच्छा टेंपल है, तो वहाँ जाके देखते हैं और आपको वीडियो में ब्लॉग में फुल बताते हैं। तो अभी हम खड़े हैं सुंदरगढ़, और वाकई ये मतलब गांव पूरा सुंदर है। और ये देखो पहले ही आप गेट देख सकते हो, बहुत सुंदर है, और गाँव का नाम भी है सुंदरगढ़। और यहाँ पे भी ये सुंदरगढ़ का बहुत अच्छा मंदिर है, ये भी देख लो, पूरी हरियाली है आजू बाजू में सारी, और बीच में एक मंदिर है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हमने पूछा तो वो बोल रहे हैं अभी चालू ही जा सकते हो आप, तो मैं अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाके देखते हैं। ये है पूरा मंदिर, यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन है सारा कुछ, पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत अच्छे। और ये है पूरा मंदिर, यहाँ गायत्री माता का मंदिर है, और साइड में उमिया माता जी का, और यहाँ हनुमान जी बैठे हैं। जय हो। और इस साइड गणपति जी। और यहाँ पे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा भगवान। बहुत बढ़िया है, पूरा एकदम व्यू भी अच्छा है। विशिष्ट ऋषि कल्पवृक्ष और विश्वामित्र ऋषि, और यहाँ पे इंद्रदेव की पूजा अर्चना करते हुए। और ये देखो कितना सुंदर बनाया है, एकदम मस्त। देश्वरी महादेव, यहाँ पे शिवलिंग है महादेव का, परी नंदी और गणपति जी, पार्वती जी और हनुमान जी का छोटा सा तो मंदिर है। हम अभी जा रहे हैं आगे रास्ते में, और रास्ते का आप नजारा देखिए, व्यूज देखिए कैसा लगता है, और कमेंट में बताइए। बताओ आया ही नहीं आज गैरेज पे, छुट्टी भी चला गया लौंडा। और आप देख सकते हो कैसे रास्तों पे लेके आए हैं भाई अपने, देखो
बोल रहा है चीजें निकाल दो, जान चली जाएगी अगर घुस गए अंदर तो। फाइनली रिवर क्रॉस कर ली है हमने। आ जा भाई आ जा। ये है गुहाई डैम, देखो आप, ये रहा पूरा इसका गुहाई डैम। ये भाई अपनी मछलियां पकड़ के साफ करते हुए, भाई पूछ रहा है बहुत छोटी छोटी मछलियां है। अरे तू उड़ रहा है यार, अरे कूद का मारस बेच काटी तू एखादी। मोटी मास चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक कोबरा सांप है, ऐसा बोर्ड आई नहीं है, सांप कोबरा नहीं है, कोबरा है कोबरा। ऊंचू कर जी भेजो जी, क्या बे ऊंचू करी भेजो, हमारा भाई अभी ऊंचा करेगा इसको। ये तो तू ऊंचू कर नहीं है भैया, जो ले मुझे कर समझे मारा हापन सतरी नौकरो वाला उमे वाला सेले वो हापन ना आड़ो सतरी बोल लड़ो हापन। यहाँ पे सांप मरा पड़ा है, पता नहीं भाई नजदीक नहीं जाएंगे, जान खतरे में नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, कुछ बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का आप लोगों। कोबरा सांप नहीं, ये कोबरा नहीं है। ये भैया और वहां पर सामने ही है महाकाली टेंपल सावली, और यहां पर एक साइड है पानी और एक साइड सब खेतियां होती है। कुछ भी मतलब की कुछ भी बात करते हैं भाई, यहाँ से बोलते हैं सीढ़ियों से चढ़ाएंगे बाइक, ये रास्ता किस लिए बनाए है। ये देखो ये बच्चों के लिए बनाए गए हैं, और ये है हमारे दो बच्चे, और ये के पीछे हम जाएंगे वो झूला झूलेंगे, छोटे बच्चों को हम पहले झूला झूलाएंगे उसके बाद हम ले जाएंगे मंदिर पे, पहले इनको यहाँ पे झूला झूलाते हैं। ये है हमारे बहुत हमारे बच्चे, ये एक बच्चा ये रहा, एक ये रहा, और ये एक ये रहा, ये भी
और हम भी बनेंगे अब बच्चे, हम बैठेंगे इस पे, टूट ना जाए, बच्चों के लिए बना है। तो ये देखो दो दो बच्चे भी आ गए, ओरिजिनल छोटे बच्चे आ गए दो, और ये देखो बच्चे। नहीं होगा, घूमो नहीं भी हूँ मारे ये हाथ में भाई, तू बहन भाई बे हकने का आली हमरा खरा जाते कोई बात थोड़ पे और बने। ये देखो एक छोटे बच्चे के बीच चार तीन बड़े बच्चे, क्या मतलब थी मार वीडियो। ये देखो मैं गिरा, क्या कर रहे हैं ये, मैं गिरा ऐसे ही डालने वाला हूँ वीडियो। बच्चे अभी बैठे थे झूले पे यहाँ पे, तो वो अंकल अभी बगड़े थे कि बोल रहे थे बच्चों के लिए है, यहाँ क्यों आए हो, बच्चों के लिए है तोड़ मत देना, और वो गर्म हो गए अपने वहां से, यहाँ से चिल्ला रहे थे, वहां बैठे थे चिल्ला रहे थे जल्दी उतरो क्या कर रहे हो बच्चों के लिए है। तो अभी जाते हैं, मतलब क्या होता है देखते हैं क्या बोलते हैं। से निकलते तो वाले है, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। दोस्तों यहाँ पर सीढ़ियों का रास्ता है, उधर गोप्रो में ना जाओ। तो हम आज यहाँ पे आ चुके हैं और आप देख सकते हो, और भाई के लिए हम एक स्कीम लेके आए हैं, ये बैठे लो भैया, ये लो पकड़ो जाओ, पानी लेके डूब मारो इसमें, जाओ इस ढक्कन के अंदर, देखिए इतना सारा पानी है, मेरे को इसके अंदर डूबने को बोल रहा है, अब आप ही बताओ। इसके अंदर नहीं डूबना है, इसमें पानी लेना है और छलांग को इसमें ही लगानी है पूरे तालाब में। ये देखो गाइस, ये आप एक बार एक खूबसूरत नजारा देख लो, मस्त देखा है। यहाँ से नीचे उतरते हैं, पर ये पूरा अभी ताला लगा है, गेट बंद है। ये देखो यहाँ पे ये पत्थर है,
अभी इसको बजाते हैं तो कैसी आवाज आती है सुनो एक बार। ये पूरा पत्थर है, अभी इसको बजाएंगे हमारे देखो सुनो। आपको चमत्कारी पत्थर जो है महाकाली टेम्पल सावली में वो आपको दिखाता हूँ। ये आप पहले नॉर्मल जो पत्थर होता है उसकी आवाज सुनो, आप पहले कैसी आती है आवाज। और ये जो चमत्कारी पत्थर है इसकी आवाज देखो आप, कुछ अलग ही है। और ये नॉर्मल पत्थर, गाइस हम नहीं जाने वाले थे पर अभी सभी ने मूड बना लिया है और जा रहे हैं वहाँ। शायद से आपको ना दिख रहा हो, मैं अभी मंदिर है, जैन मंदिर है, उससे भी आगे एक मंदिर है, अगर ट्राई करेंगे हम वहाँ जाने का। या पूरा पानी भर जाता है तो पूरा मंदिर यहाँ से अंदर हो जाता है, पानी के अंदर चला जाता है पूरा मंदिर। गाइस हालत क्या हो रखी है कपड़ों की और हमारी, मेरे शूज की हालत देख लो क्या हो रखी है। ये देखो ये है एक पौराणिक, गाय माता और ये देखो भाई यहाँ पे कोई रहता है, सब रहते हैं यहाँ पे, वो जो है यहाँ खेती बेती करते हैं सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये देखो गाइस 1400-1500 साल पुराना मंदिर है, हमने बाहर उनसे पूछा फिर उन्होंने बताया कि ये बहुत पुरानिक मंदिर है, पुराना है बहुत, जैसे कि आप देख सकते हो। या पहले मैं बाहर से दिखा देता हूँ पूरा मंदिर का व्यू। ये देखो गाइस यहाँ पे मकाई के, देखो गाइस इतने साल पुराना, मतलब पूरा डिजाइन किया गया है पत्थर, और इतने बड़े बड़े पत्थर। ये देखो जो हमने वहां पे दिखाया था वो भी यहीं पे ही है। ये देखो देखो इतने साल पहले, मतलब कि ये देखो कैसे पत्थर के प्राकृतिक मूर्तियां बनी है, आकृति देखो पत्थर की एकदम। गाइस कलाकारी देखो ये पूरा, चलो हम इसके 1400-1500 साल पुराना। अभी यहाँ पे एक मंदिर है वहीं पे जाते हैं, और यहाँ पे खेत भी है, यहाँ पे ये सारे लोग रहते हैं, वो अभी अंदर है। यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं, यहाँ पे कपड़े भी खराब हो ही गए हैं वैसे तो, अब कोई फायदा भी नहीं है, चलो चलते हैं। और ये ठीक से लग रहा है मंदिर क्योंकि गेट वेट अच्छा सा लगा है। और ये देखो फूल कितना खूबसूरत है, और हम अभी आ चुके हैं इस मंदिर के पास।
ये देखो फूल फूल सब कैसे लग रहे हैं। और ये है अपने शिव जी का मंदिर, आप देख रहे हैं पूरा मंदिर है। ये आप देख रहे हैं शिव जी का मंदिर है हमारा, अपना मंदिर शिव जी का। इसके यहाँ पे ये देखो, ये देखो अभी तो मतलब पुराना मंदिर है क्या मतलब। और ये देखो हनुमान जी जो कि पर्वत उठा के जा रहे है पूरा। और यहाँ पे गणेश जी जिनकी अभी ये मूर्ति तो बढ़िया है पर सुन शायद से कटी हुई है। और ये देखो नंदी ये देखो। और यहाँ पे 10 पैसे 5 पैसे 20 पैसे ऐसे ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं। और ये देखो गाइस, और ये देखो ओम लिखा हुआ है जो कि पीतल का है पूरा, बहुत पुरानी का है। और ये बहुत पुराना मंदिर है। और ये अपना शिवजी का शिवलिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना पुराना मंदिर है यह। ये देखो विष्णु जी, विष्णु भगवान की मूर्ति है पूरी। ये गणेश जी का बहुत पौराणिक है, अगरबत्ती भी रखी हुई है। और ये देख लो एक बार आप पूरा कैसा व्यू है। ऐसे नहीं देख सकते उसको, इसके लिए कैमरा लाना पड़ेगा बहुत बड़ा। बहुत दूर है और पूरा पानी में है। ऊपर का जो छत है वही दिख रहा है थोड़ा थोड़ा मंदिर का, मतलब बताए मंदिर का शिखर ही थोड़ा दिख रहा है, बाकी सब पानी में धस गया है। और हम जाते हैं वापस, यहाँ तो पूरा देख ली। Okay.